कितना विकास आपके गांव का हुआ? रोड का ही नहीं हुआ है, कुछ स्कूल नहीं ठहरे। आया जब वोट दियो ये लोन उस लोन को निभाए, उन्हें कोई निभाए भी अपना खाना ही भाई उनको हॉस्पिटल पेट में पेट भाई जो जो मरिया मरिया दिया खड़िया है हॉस्पिटल निभाई आयो। और वोट मांगने तो आते हैं, कोई हमको कम्बल दे के जा रहे हैं, छुट्टियाँ बना रहे हैं। कौन जीतेगा उत्तराखंड? नमस्कार, मैं लता, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड का खास प्रोग्राम कौन जीतेगा उत्तराखंड। कितना हुआ है गांव का विकास, क्या विकास की दरें पहुंची हैं गांव, इन तमाम बातों को और कई सवाल जो ग्रामीणों के मन में है कि आज तक विकास उनके गांव क्यों नहीं पहुंचा, उन तमाम सवाल जवाबों के बीच हम आपको जो यहां पर परेशानियां हैं वो दिखाएंगे। कितनी परेशानियां यहां पर हैं, कैसे लोग यहां पर जीवन यापन कर रहे हैं, सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे। और ग्रामीण महिलाएं गराड़ की हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहना है गांव वालों का चुनाव को लेकर और सुख सुविधाओं को लेकर, सारी बातें आपको बताएंगे। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगी, कितना विकास आपके गांव का हुआ है? या कौन किसान आप क्यों हमारे गांव में गुना हॉस्पिटल हमारे मिल बाजार जान भाई इंतजार में रोन भाई यहाँ हमारे रोड के भाई स्कूल मतलब इंटर स्कूल बनते हैं भाई ने बच्चे यहाँ पर प्रबंधन तो पेड़ मलका मकान हुए रहन कोल विधानसभा में हुए गांव ये गांव कपकोट कपकोट विधानसभा में ये गांव आता है। आप क्या कहेंगी, कितना विकास गांव का हुआ है? यही फिर रोड का ही नहीं हुआ है, कुछ स्कूल नहीं ठहरे, पैदल जा रहे बच्चे यहां से उधर, जंगल ठहरा है जंगल का रास्ता, और कोई बाजार मंडल सेरा जा रहे वो भी पैदल ही जा रहे, गाड़ी वाड़ी उतने टाइम से नहीं आती, भी लंबी रोड होती तो पूरे यहाँ आते जाते रहती, टाइम से नहीं आती बस। अच्छा, टाइम से कुछ नहीं आता? हाँ, कहाँ फिर जनप्रतिनिधि को भी मिलने आते हैं? कुछ नहीं आते, यहाँ 5 साल में आते हैं बस, गए ही वोट मांगने के लिए आए बस, उसी समय कहा नमस्कार, हाँ जी ये है वो है हम है सब कुछ, फिर कुछ नहीं बस। जनप्रतिनिधि आज तक यहाँ पर कोई नहीं आया, आप क्या कहेंगे? हाँ, आया जब वोट दियो ये लोन उस लोन को निभाए, उन्हें कोई निभाए भी अपना खाना ही भाई उनको है हम लोग को तो परेशानी से कचार में कहाँ हुआ जानू हॉस्पिटल पेट में पेट भाई जो जो मरिया मरिया दिया खड़िया है हॉस्पिटल निभाई आयो है स्कूल होना चाहिए पर हॉस्पिटल जरूरी होना चाहिए भाई आयो है जरूरी चाहिए बच्चों बनना नानजिन से नहीं हो। हमारे गांव में तो कुछ सब सुविधा नहीं है, कब से रोड आई है इधर और पक्की नहीं हुई है। अच्छा। और बारिश के मौसम में गाड़ियां फंस जाती हैं। लगभग मोटा मोटा कितना समय हो गया होगा रोड को कटान का? रोड को कटे 10-12 साल हो गए। अच्छा, 10-12 साल से कोई नहीं आया देखने? कुछ आते हैं नेता लोग, जब वोट के टाइम पर नेता लोग आते हैं उस समय बोलते हैं कि हम पक्की करेंगे इसको, डामरीकरण करेंगे, उसके बाद वो नहीं आते हैं, उसके बाद पता ही नहीं चलता नेता लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। नेटवर्क आते हैं? नेटवर्क भी नहीं आते हैं, नेटवर्क नहीं रहते हैं। अच्छा, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही तो बच्चों को पढ़ाई कराने में कितनी दिक्कतों का सामना? बहुत दिक्कत होती है, लाइट नहीं रहती है, एक तो बिजली रहती नहीं है इधर, और नेटवर्क आते नहीं है तो बच्चे कहाँ टाइम पर कहाँ क्लास कर पा रहे हैं, बच्चे क्लास ही नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या सोचती हैं, क्या क्या सुविधाएं गाँव को दी जानी चाहिए? हमारे गाँव में रोड और बच्चों के लिए स्कूल, इंटरमीडिएट होना चाहिए हमारे स्कूल। कितने तक है यहाँ स्कूल? हाई स्कूल तक है और इंटर होना चाहिए हमारे स्कूल में। क्या लगता है सरकार आप लोगों के लिए सोच रही है, काम कर रही है, जितनी योजनाएं आपको टीवी में फोन में देखने को मिलती है वो यहाँ आपके गांव में है कहीं? थोड़े हो तो है लेकिन जितना बोलते हैं उतना सक्षम नहीं हो पाता है। हाँ, मतलब जितना बोलते हैं हमला ऐसा करेंगे वैसा करेंगे उतना तो नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत काम चलाओ ऐसा होता है। और वोट मांगने तो आते हैं, कोई हमको कंबल दे के जा रहा है, छुट्टियाँ बना रहे हैं कि ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, कोई टॉफी खिला रहा कोई कंबल, लोभ लालच दिया जा रहा है, मतलब लोभ लालच कि ऐसा करेंगे तो दे देंगे, फिर हम वोट दे दिया तो फिर देखने नहीं आते। अच्छा, पिछली बार किसको दिया था वोट? ये जनता पार्टी। अच्छा। कितना विकास किया फिर, कितना काम? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। इस वक्त हमने बात की गैराड़ गांव की महिलाओं से, महिलाओं का कहना है कि यहां पर अस्पताल की सुविधा होना चाहिए और सड़क की सुविधा यहां पर जर्जर है, सड़क को सुधारा जाना चाहिए और तमाम जो परेशानियां हैं महिलाओं की, स्वास्थ्य से लेकर बिजली से लेकर नेटवर्क से लेकर कई परेशानियां यहां पर है, और लगातार उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप लगाया है। और हम लोग गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं और लगातार आपको
जो जमीनी हकीकत है उससे आपको रूबरू करा रहे हैं और लगातार करवाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। कौन जीतेगा उत्तराखंड? हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।